हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज ड्रामा गर्लफ्रेंड के एपिसोड 5 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। फीमो की तबीयत खराब देखकर शाउन वैन डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि फीमो की तबीयत ज़्यादा खाने के कारण खराब हुई है। तो शाउन वैन डस्टबिन खाली देखकर समझ जाती है कि फीमो ने वो सारा खाना फेंका नहीं था बल्कि खुद ही खा लिया था। शाउन वैन फीमो का ध्यान रखने लगती है और रात भर उसी के पास बैठी रहती है। बैठे बैठे वो वहीं पर सो जाती है। फीमो को अगली सुबह होश आता है तो उसकी तबीयत के बारे में शाउन वैन उससे पूछती है, तो फीमो कहता है कि वो अब ठीक है पहले से। फीमो उठने लगता है तो शाउन वैन पूछती है कि उसे क्या चाहिए, वो लाके उसे दे देगी, पर वो उठे ना। तो फीमो कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है, तो शाउन वैन उसकी ग्लूकोज की बॉटल लेके बाहर खड़ी रहती है टॉयलेट के। लिंगर जियांग फेंग से आकर बताती है कि उसे शाउन वैन को साइड पर थप्पड़ मारा था, सिर्फ इसीलिए शाउन वैन ने फीमो से कह के उसे मेन लीड से हटवा दिया। तो जियांग फेंग पूछता है कि क्या उसने शाउन वैन को थप्पड़ मारा, तो वो कहती है कि वो तो बस स्क्रिप्ट फॉलो कर रही थी, तो उसने गलत क्या किया है, और पूछती है कि उससे क्यों दुख हो रहा है अगर उसने थप्पड़ मारा भी, और पूछती है कि क्या वो अब भी शाउन वैन को लाइक करता है। तो जियांग फेंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लिंगर कहने लगती है कि शाउन वैन और फीमो का पहले से ही अफेयर रहा होगा, तभी तो वो ब्रेकअप के बाद सीधे फीमो के घर में रहने लग गई। तो पहले तो जियांग फेंग गुस्सा होने लगता है, पर वो खुद को कंट्रोल करके कहता है कि शाउन वैन अब उसका सिर्फ पास्ट है, तो लिंगर कुछ भी चिंता ना करे, ये कह के वो उसे डेट पर चलने की बात कहने लगता है। शाउन वैन फीमो को आराम करने को कहती है, तो फीमो कहता है कि वो एक मूवी पर काम करने वाला है जो कि एक स्टोरी है कोवर्ड और वीविंग गर्ल की। तो शाउन वैन कहने लगती है कि फिर तो उसे इंस्पिरेशन के लिए एंशियंट मूवीज देखनी चाहिए। फीमो कहता है कि ये एक कमर्शियल मूवी होने वाली है और एंशियंट मूवीज आउटडेटेड हो चुकी हैं अब। तो शाउन वैन उसे एक एंशियंट मूवी दिखाती है। मूवी देखते देखते वो रोने लगती है। शाउन वैन फीमो को नॉर्मल देख के पूछती है कि क्या उसे मूवी सैड नहीं लगी, तो वो कहता है कि वो तो बस फिल्म मेकिंग टेक्निक्स पर फोकस करता है। शाउन वैन कहती है कि वो हमेशा कोल्ड बिहेव करता है, क्या वो लाइफ में कभी इमोशनल हुआ है। तो फीमो को पास्ट याद आने लगता है। फीमो कहता है कि वो उसे कुछ रिटर्न करना चाहता है। फीमो उसे कोट पिन दे देता है, तो शाउन वैन पूछती है कि ये कोट पिन उसके पास कहाँ से आया, तो वो कहता है कि ये उसे रेस्टोरेंट रूम में मिला था। शाउन वैन पूछती है कि इसका मतलब वो सर्च वीडियो जो उसने बनाई थी वो उसी के लिए बनाई थी। तो फीमो पहले तो हाँ करता है और फिर कहता है कि उसे उस वक्त गलतफहमी हो गई थी, वो जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो शाउन वैन नहीं है। फीमो शाउन वैन को कुक करने को कहता है। तो शाउन वैन सामान खरीदने जाती है, तभी उसे जियांग फेंग मिल जाता है। जियांग फेंग उससे पूछता है कि क्या वो सच में फीमो के घर में रह रही है। तो शाउन वैन कहती है कि उसे अब इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जियांग फेंग कहता है कि भले ही उनका ब्रेकअप हो गया है पर उसे इतना नीचे गिरना नहीं चाहिए था, और कहता है कि सिर्फ थिएटर को बचाने के लिए वो इस हद तक नीचे कैसे गिर सकती है। तो शाउन वैन कहती है कि याहुआ का पीडी बनने के लिए वो भी तो शाउन वैन और उसके कई सालों के प्यार को भूल गया, तो क्या उसे ये बात कहने का अब कोई हक है। जियांग फेंग कहता है कि अभी भी शाउन वैन ही उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए उसने उसे थोड़ा सा इंतजार करने को कहा था, पर वो तो तुरंत ही फीमो के पास चली गई। शाउन वैन जाने लगती है तो जियांग फेंग उसे पीछे से हक करने लगता है, तभी कोई उनकी पिक्चर्स क्लिक करने लग जाता है। शाउन वैन दूर हट के कहती है कि उसी से जियांग फेंग को पहचानने में गलती हो गई है। शाउन वैन जियांग फेंग को कोट पिन देकर कहती है कि आज से उनके बीच में और कोई भी रिश्ता नहीं होगा, ये कह के वो चली जाती है। शाउन वैन शॉपिंग कर रही होती है तो वहाँ पे मिस चैंग भी शॉपिंग कर रही होती है, तो शाउन वैन को देख कर मिस चैंग उसे फॉलो करने लगती है। शाउन वैन थर्मस खरीदने के लिए देख रही होती है, तो मिस चैंग उसे आकर पूछती है कि क्या वो थर्मस खरीद रही है, तो वो कहती है कि हाँ वो अपने फ्रेंड के लिए थर्मस खरीदना चाहती है, पर उसे डर लग रहा है कि कहीं उसका फ्रेंड उसे यूज़ ना करे। तो मिस चैंग कहती है कि वो उसे अगर धमकी देगी तो वो यूज़ ज़रूर कर लेगा। मिस चैंग शाउन वैन को फीमो के घर तक लिफ्ट दे देती है, तभी फीमो वहाँ आ जाता है। तो शाउन वैन उसे आराम करने को कहने लगती है और कहती है कि वो बाहर क्यों आ गया।
तो मिस चैंग बाहर आके कहती है कि वो फीमो को ऐसे देखकर काफी खुश है। फीमो कहता है कि वो खुश तो होगी ही ना, क्योंकि उसकी भेजी हुई लड़की अभी भी इसके घर में ही है। तो मिस चैंग कहती है कि वो कभी गलत इंसान को चुनती ही नहीं है। शाओन वैन को जब पता चलता है कि मिस चैंग फीमो की मदर है, तो वो उससे पिछली बार के लिए सॉरी कहती है। मिस चैंग कहती है कि उसने जो भी कहा था बिल्कुल सही कहा था फीमो के बारे में, तो वो माफ़ी ना मांगे। और कहती है कि वो फीमो को बचपन में बिजी होने के कारण ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई थी, इसीलिए वो ऐसा खड़ूस हो गया है। पर जब से शाओन वैन आई है, फीमो काफ़ी बदल गया है। फीमो आकर पूछता है कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं, तो मिस चैंग कहती है कि वो कुछ खास बातें नहीं कर रहे हैं। मिस चैंग शाओन वैन को जाने वक्त कहती है कि वो फीमो का सिर्फ ध्यान ही ना रखे बल्कि उसे ऑर्डर भी दे सकती है। ये कह के मिस चैंग चली जाती है। एक आदमी लिंगर को शाओन वैन और जियांग फेंग की पिक्चर दिखाता है, तो लिंगर कहती है कि शाओन वैन की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो फिर से जियांग फेंग से मिलने आई। शाओन वैन फीमो को दवा खाने को कहती है और जब वो उसकी बात नहीं सुनता है तो वो उसके हाथ से टैबलेट छीन लेती है और दवा खाने को कहती है, और कहती है कि वो उसे टैबलेट तभी रिटर्न करेगी जब वो दवा खाएगा। तो वो बोल को ही गिरा देता है, तो शाओन वैन कहती है कि ये लास्ट दवा का बोल था। शाओन वैन उसी वक्त दवा लाने चली जाती है। फीमो नीचे उतरता है तो वहाँ पर शाओन वैन का नोट उसे मिलता है कि वो दवा लाने गई है। तभी बहुत तेज़ बारिश हो जाने लगती है, तभी कोई शाओन वैन को फॉलो करने लगता है। तो शाओन वैन फीमो को कॉल करती है, पर फीमो का मोबाइल उसके रूम में होता है तो वो कॉल पिक नहीं कर पाता है। शाओन वैन उसे हेल्प के लिए मैसेज करती है। शाओन वैन डर कर तेज चलने लगती है, तभी फीमो आकर उस गुंडे को मारता है। शाओन वैन चौंक जाती है और चिल्लाने लगती है, तो फीमो उसका छाता पकड़ लेता है। फीमो को देख कर शाओन वैन शॉक हो जाती है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।